देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एनटीए ने यूजीसी नेट 2024 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा का आयोजन 83 विषयों के लिए किया गया था। बता दें कि आज अभ्यर्थियों के ऑब्जेक्शन सबमिट करने की अंतिम तिथि है। आज से 18 सितंबर तक बैंक बंद रहेंगे। बता दें कि अलग अलग राज्यों में लगातार बैंक 6 दिनों के लिए बंद रहेंगे। वहीं बैंकों के लिए सभी राज्यों में छुट्टियों की लिस्ट अलग अलग होती है। कैंडिडेट्स 9 सितंबर तक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कर सकते थे, लेकिन UPTSC काउंसलिंग के लिए अभ्यर्थियों के लिए कॉलेज रिपोर्टिंग की आखिरी तारीख आज है। आज गणेश उत्सव का 7वां दिन है। आज बप्पा के कुछ भक्त 7वें दिन उनको धूमधाम से अलविदा करेंगे। बता दें कि बप्पा को विदा करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:04 से प्रारंभ होगा और 10:43 तक रहेगा। वहीं शाम के शुभ मुहूर्त की बात करें तो 4:54 से 6:27 तक रहेगा। आज आएगा जमीन के बदले नौकरी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू यादव परिवार और सह अभियुक्तों के समन पर राउज रेवेन्यू कोर्ट का फैसला। आज विश्व में सेप्सिस दिवस मनाया जाएगा। बता दें कि सेप्सिस बीमारी की रोकथाम और इसको लेकर लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए हर साल आज के दिन विश्व सेप्सिस दिवस मनाया जाता है। आज सिमडेगा में हिंदी दिवस का आयोजन डाइट परिसर में किया जाएगा। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 से होगी। प्राचार्य ने कार्यक्रम में सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए अपील की है। आज यानी 13 सितंबर को मुजफ्फरनगर में पैरा ओलंपिक में 2 रजत पदक विजेता भारत की बेटी प्रीति पाल का भव्य स्वागत सर्व समाज के द्वारा किया जाएगा। बता दें कि प्रीति पाल के स्वागत में सर्व समाज की लगभग 500 से ज्यादा गाड़ियां भंगेला चेक पोस्ट पर प्रीति पाल का स्वागत करेंगी। करीना कपूर लंबे समय बाद सिल्वर स्क्रीन पर वापसी के लिए तैयार हैं। बता दें कि निर्देशक हंसल मेहता के डायरेक्शन में बनी करीना की अपकमिंग फिल्म द बंकिंगम मर्डर्स आज यानी 13 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सूचित किया है कि मध्य भारत में बने दबाव क्षेत्र के कारण आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1791 में फ्रांस के राजा लुई 14वें ने नया संविधान अंगीकार किया। आज ही के दिन 1882 में एंग्लो मिस्र युद्ध तेल अल केबिर की लड़ाई लड़ी गई। आज ही के दिन 1922 में पोलैंड की संसद ने जिडाइनिया बंदरगाह निर्माण अधिनियम पारित कर दिया गया। आज ही के दिन 1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 40 लाख हिंदुओं और मुसलमानों के पारस्परिक स्थानांतरण का सुझाव दिया। आज के दिन सन 2002 में इसराइल ने फिलिस्तीन अधिकृत गाजा पट्टी पर हमला किया था। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।